बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। लोकप्रिय बांग्लादेशी अभिनेत्री पोरी मोनी ने 2 महीने पहले 8 जून को बोट क्लब में बलात्कार और हत्या करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब पोरी मोनी को ही पुलिस की एंटी क्राइम यूनिट रैपिड एक्शन बटालियन ने हिरासत में ले लिया है। एक्ट्रेस के घर पड़ा छापा, मिली ड्रग्स। रैप के कानूनी और मीडिया विंग के निर्देशक कमांडर खंडाकर अल्मोइन ने IINS को इसकी पुष्टि की। ढाका के बनानी में पोरी मोनी के आवास पर 4 घंटे की छापेमारी के बाद बुधवार रात करीब 9 बजे उन्हें कुलीन बल के मुख्यालय ले जाया गया। केत्री को हिरासत में लेने से पहले RB ने दावा किया कि उन्होंने छापेमारी के दौरान उनके घर से ड्रग्स और शराब बरामद की। इस हाई प्रोफाइल इंसान पर लगाया था आरोप। पोरी मोनी के नाम से मशहूर शमसुन्नहर स्मृति ने दावा किया था कि 8 जून को बोट क्लब के पूर्व अध्यक्ष और एक व्यापारी और राजनेता गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के निदेशक नासिर उद्दीन महमूद ने उन पर हमला किया था। उसने महमूद पर बोट क्लब में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन ये कोई मामला दर्ज करने में विफल रही क्योंकि आरोपी बांग्लादेश के पुलिस महानिरीक्षक बेंजीर अहमद का करीबी दोस्त है। आरोपी को भी किया था गिरफ्तार। महमूद को पुलिस की जासूसी शाखा ने 3 महिलाओं और उसके करीबी सहयोगी तुहिन सिद्दीकी ओमो एक ड्रग डीलर के साथ गिरफ्तार किया, जब उन्होंने महिला तस्करी और ड्रग डीलिंग के लिए अपने अपराधों को कबूल किया था। एक हफ्ते बाद पोरी मोनी पर 7 जून की रात गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब में AM क्लब के अध्यक्ष आलमगीर इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मोहम्मद जशीम ने नारकोटिक एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत का आदेश दिया। इसके बाद महमूद और उसके सहयोगी लिपि अख्तर, सुमी अख्तर और नजमा अमीन इस्निदा को रिहा कर दिया गया। महमूद जेल में नहीं था बल्कि करीब 15 दिनों से पुलिस हिरासत में था। फेसबुक लाइव आकर एक्ट्रेस ने मांगी थी मदद। बुधवार दोपहर को पोरी मोनी ने अपने घर से फेसबुक लाइव में मदद मांगते हुए पुलिस से गुहार लगाई थी कि भाई आप मेरी हालत समझ रहे हैं, बनानी थाने से कोई नहीं आ रहा, मुझे उनकी मदद की जरूरत है और मुझे डर लग रहा है, 3 दिनों से मैं बिस्तर से नहीं उठ सकी हूँ, दरवाजा खोलने में लगा डर। एक्ट्रेस पोरी मोनी ने यह भी दावा किया कि कोई उनके घर के गेट पर 20 मिनट से आवाज लगा रहा है, मुझे दरवाजा खोलने में डर लग रहा है, वे खुद को पुलिसकर्मी बता रहे हैं, लेकिन जब मैंने बनामी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि उनके पुलिस स्टेशन से कोई भी नहीं आया, कोई मुझे मारना चाहता है, अगर कोई पुलिस की पहचान के साथ मुझे मारने आया तो मैं क्या करूंगी। तो गाइस क्या कहना है आपको पोरी मोनी के इस खुलासे के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।